स्कूल संचालक सावधान, मानक के आधार पर ही चलाएं स्कूल वाहन, अन्यथा होगी कानूनी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। आज फिर से सुबह सुबह एआरटीओ ने सघन चेकिंग अभियान चलाया तो 3 विद्यालय वाहनों को पकड़ा गया। एआरटीओ के मुताबिक ये वो वाहन है जो विभाग द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे और बच्चों को स्कूलों में ले जाने के काम में लगे हुए थे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार ये सूचना मिल रही थी कि स्कूली वाहनों में बच्चों को भूसों की तरह ठूसा जा रहा है और ले जाया जा रहा है। बहुत से वाहन तो बिना जरूरी प्रपत्रों के स्कूल परिवहन में लगे हुए थे। आज एआरटीओ की इस कार्यवाही के बाद हड़कंप मच गया। हमसे बातचीत में एआरटीओ ने इस कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी तथा लोगों से अपील की है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वो जिस वाहन में अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं वो हर तरह से ठीक है और उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल जालौन मेट्रो। हमारी जालौन तहसील की जो विद्यालय मालिक हैं या यहाँ के अभिभावक हैं उनसे अपील है कि वो अपने बच्चों को ऐसे वाहन में ही भेजें जो स्कूल परमिट से आच्छादित हो। यहाँ के जो स्कूल के मालिक हैं प्रधानाचार्य हैं उनसे अपील है कि ऐसे वाहन ही अपने यहाँ लगाएं जो स्कूल परमिट से आच्छादित हो। जिनमें स्कूल परमिट न हो उनसे कृपया अपने यहाँ बच्चों को न ले आए न ले जाए। धन्यवाद। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि क्षमता से अधिक वाहनों में बच्चों को ले जाया जाता है जिनकी मानक क्षमता अगर 4 से 8 बच्चों की होती है उस वाहन में 15-15, 16-16 बच्चे अक्सर देखे गए हैं। मैं कार्रवाई उस पर भी कर रहा हूँ, चालान कर रहा हूँ ओवरलोडिंग में। इसी के लिए अपील कर रहा हूँ कि ऐसे वाहन पर कदापि अपने बच्चों को न भेजें अभिभावक और स्कूल के जो प्रधानाचार्य महोदय हैं कि जिनमें मानक से क्षमता से ज़्यादा बिना परमिट के वाहन हो उनमें अपने बच्चों को न सहयोग करें और इसी सहयोग से ही हम लोग इसमें स्कूल परमिट को लागू कराने में सफल हो जाए।